वॉक, रनिंग, योगा, मेडिटेशन सब डन हो गया है। सो वंस आई एम बैक, मैं लेती हूँ थोड़ा गर्म पानी, कोसा पानी और बादाम, देन शावर लेके मैं रेडी होती हूँ और उसके बाद मैं करती हूँ कुकिंग और साथ में बनाती हूँ चाय। तो रेडी हो गई हूँ पूरे दिन के लिए। तो आज मैं दीपक के लिए लंच अलग से बना रही हूँ, तो ये लेफ़्ट ओवर थोड़ा सा नॉनवेज था उसकी बिरयानी बना रही हूँ और साथ में चाय रख रही हूँ। दीपक को बिरयानी बहुत ही पसंद है, तो टिफ़िन में बिरयानी जा रही है आज दीपक के। तो चाय रेडी है और अभी उधर साथ में ही मैं बना रही हूँ एम्बर के लिए उपमा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एम्बर, एम्बर दीपक के लिए ब्रेकफास्ट अलग से है जो कि है टोस्ट, तो एक टोस्ट बना रही हूँ दीपक के लिए। काश तुम रोज व्लॉग बनाओ और मेरे को ऐसे खाना सजा। हाँ, मतलब रोज देती नहीं आपको, मतलब देते हो, मतलब इतना फैंसी हो नहीं होता। फैंसी नहीं है एक्चुअली, आज टोस्ट है तो टोस्ट इस स्टाइल से दूंगी ना मैं। मतलब ऐसे टोस्ट होते हैं और ऐसे ऐसे बिखरे होते हैं, कोई ऐसे पड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉप लाइंग, ओके ओके, दे दो, वापस कर दो। हाँ, बहुत अच्छा है। ये क्या है? मायोनीज। आप तो सब खाते हो ना फैट वाला, कौन सा लगना है आपको, जो मर्जी खाओ। लगता है। हाँ? लगता तो है। अच्छा, आपको दुख। सैलेड, दही और शाम के स्नैक्स ने पैक कर दिया है। लंच बैग इज रेडी, सो आई ऑलवेज कीप इट हियर। दीपक यहाँ से उठा के लेके जाते हैं अपना बैग। अब ब्रेकफास्ट है ये बॉयल्ड एग्स, बिकॉज मुझे थोड़े टाइम बाद कुछ खाना है और इसलिए एकदम हैवी खा के बाद में 5-6 घंटे बाद ही खाऊंगी, 2-3 घंटे में खा लूँगी। आई लव एग्स। ओके सर, हैव अ नाइस डे। ये बैग लेके जाने का मतलब होता है कि दीपक आज टीटी खेल के आएंगे, क्योंकि दिस इज स्पोर्ट्स बैग। ये आज मत खेलते हो ना। चलो, आपने बोला है तो खेल के आऊँगा। मैंने बोला मत खेल के आना। हाँ, खेलना मत। आई डोंट लाइक दिस बैग। इवन आई डोंट लाइक दिस बैग। व्हाई? क्वालिटी अच्छा नहीं है। अच्छा, आपको वैसे पसंद नहीं है कि एटीटी बैग है। कैसी हो सोनिया, तुम कैसी हो? मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि खेलो। ऐसा क्यों बनाया है? तुमने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया बैट। हाँ, मतलब मुझे मारने के लिए दिया तुमने। मैंने इसलिए दिया था सो कभी अभी खेल सको, नॉट ऑलवेज। अब तो डेली खेल के आते हो रात को 10 बजे। डेली खेल के आता हूँ कुछ भी। हाँ, तो प्लानिंग करी थी वो कि ये दिन खेलना, ये दिन नहीं खेलना, वो तो फिर भी आप वो प्लानिंग को फेल कर दो। ऑडियंस को बताओ। ओके गाइस, बाय। मेरा लंच है किनुआ सैलेड, तो किनुआ मैं बॉयल कर रही हूँ सॉल्ट ऐड करके। मीनवाइल एम्बर का क्रिप जो है उसको सेट करना है, तो एम्बर को अभी नहलाना है, उसके बाद वो सो जाएगी तो उसका बेड रेडी है। किनुआ के साथ ये सैलेड है, इसको बेक करूँगी मैं। तीनों पेपर है, रेड, येलो और ग्रीन कैप्सिकम, चेरी टोमेटोज, बेबी पोटैटोज, ऑलिव्स हैं, कैरेट हैं, और इस पर सॉल्ट और गार्लिक पाउडर थोड़ा सा स्प्रिंकल करके बेक करूँगी, थोड़ा सा ऑयल के हिंट के साथ 180 डिग्री पे, और उसके बाद ड्रेसिंग इसकी बनाऊँगी। ओ बस, अभी एम्बर की मालिश होगी, एम्बर की नाई नाई होगी, अभी एम्बर सोएगा, है ना गुड्डू? अच्छा, ये सोएगा अभी। तो अभी 11 बज गए हैं और मॉर्निंग 6 बजे से लेके अभी मैं जस्ट बैठी हूँ प्रॉपरली, बिकॉज बैक टू बैक इतने काम होते हैं। अभी टिल 4 o'clock ज़्यादा काम नहीं होगा, जस्ट सिटिंग वाला काम होगा, मतलब एडिटिंग वगैरह ही काम करूँगी। अगर एम्बर अच्छी तरह से हो गई तो मैं नैप भी ले लूँगी उसके साथ में ही। तो चलो, मैंने सोचा कि अभी आपसे बात कर लेती हूँ थोड़ा टाइम के लिए। अभी जो एम्बर की रूटीन है वो काफ़ी अच्छी हो गई है, सेट हो गई है प्रॉपरली, तो इसीलिए मैं लास्ट मंथ वर्कआउट वगैरह कहीं नहीं जा पाई, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसकी थोड़ी रूटीन सेट हो जाए। तो अभी जो उसकी रूटीन है वो मॉर्निंग में वो आराम से उठती है, जब मैं वर्कआउट के लिए जाती हूँ तो जब मैं वापस आती तो मैं उसको खुद उठाती हूँ। अगर उठती भी है तो वो वापस हो ही जाती है, और वो हैप्पी बेबी होती है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में नहीं होती, वो रोती है जब उसको रात को सोना होता है, उससे पहले नहीं। सुबह वो अगर उठ भी जाए, अगर मैं नहीं उठी हूँ बाई चांस छुट्टी वाले दिन, तो वो अपने आप खेलती रहती है, तो फिर मैं उठ जाती हूँ उसकी आवाज़ सुन के। तो वो उठती है अराउंड 7:30 8 बजे के बीच में, और तब तक मैं वापस आ जाती हूँ।
उसके बाद दीपक होते हैं घर पे, तो दीपक की ड्यूटी है कि उसको मॉर्निंग, अभी जैसे उसको बॉटल स्टार्ट हो गई है तो बॉटल से उसको फीड करवाते हैं, तब तक मेरा शार वगैरह हो जाता है, चाय वगैरह मैं बना लेती हूँ, खाना का काफ़ी टाइम बन जाता है और फिर हम लोग चाय पीते हैं, जो रूटीन मैंने अभी शेयर करी है आपके साथ, तो ऐसे चल रहा है। और एम्बर अभी सोती है 3 बार दिन में, तो पहले तो अभी नहा के जैसे सोई है, अभी वो आधा घंटा 45 मिनट्स तक सोती है 11 बजे के करीब, तो उसके बाद वो अगर वो 11 बजे सोई है, 10:45 सोई है, तो वो 11:30-12 बजे तक उठ जाएगी, उसके बाद खेलेगी, अच्छी तरह खेलेगी, खेल के वो इतना थक जाती है, मैं भी उसको इतना खेलने देती हूँ ताकि वो ज़्यादा उसकी एक्टिविटी बढ़े और वो ज़्यादा थक के फिर आराम से सोए, फिर वो सोती है 2 घंटे आराम से। तो मीन वाइल मैं एडिटिंग करती रहती हूँ और साथ में अगर नींद मुझे आए मैं भी सो जाती हूँ थोड़ा सा। देन उसके बाद शाम को एक्चुअली मैं जब ये टाइम होता है एडिटिंग का, तब मैं उसको सेल्फ प्ले करने के लिए देती हूँ ताकि वो खुद खेले टॉयस के साथ, तो बास्केट में या किसी चीज़ में टॉयस डालती रहती है, वो निकाल के खेलती रहती है, तो मतलब ये गेम चलती रहती है, तो मोस्टली वो खुद खेलती है क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है बच्चे को अपने आप खेलना। देन जो शाम को उसका प्ले होता है, खेलती है, तब मैं उसका खेलती हूँ, उसको स्टोरी सुनाती हूँ, उसको बुक्स पढ़ाती हूँ और वो क्रॉल करती है इधर उधर, अभी वो प्रॉपर क्रॉल तो नहीं करती बट टमी पर क्रॉल करती है वो, तो ये चल रहा है। और तो बाहर ले जाती हूँ उसको मैं बाहर, तो उसको इतना अच्छा लगता है, अगर आप उसको कभी मिलोगे ना, जितनी मैं फेस से लगती हूँ ना रिजर्व, वो वैसी इतनी फ्रेंडली, वो सभी से बात करती है, सभी को आवाज़ दे दे के बुलाती, मतलब किसी पर्सन को छोड़ती नहीं है कि जिससे वो बात ना करना चाहे, तो सारे सेल्स पर्सन सबसे वो कि हम इसे बात करो, उसको टच करेगी फेस को, ऐसी है वो। अभी वो सोई है तो मुझे अभी काम मेरा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। जस्ट मैं क्या करती हूँ कि मैं डेली ना एक एक कॉर्नर पकड़ लेती हूँ, जैसे कि कॉर्नर या कोई चीज़ जो कि मैं बड़ी वाली करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं कुकिंग तो मैं डेली करती हूँ या थोड़ी बहुत डस्टिंग करती रहती हूँ, बट एक कॉर्नर जैसे अभी मुझे वार्डरोब क्लीन करना है या मुझे ड्रेसिंग टेबल मेजर वाला काम जैसे सामान निकाल के फिर से निकालना, तो वो काम मैं पकड़ लेती हूँ कि आज मुझे ये ड्रेसिंग टेबल साफ़ करना है, नेक्स्ट डे मुझे ड्रॉअर साफ़ करना है, तीसरे दिन मेरे को वार्डरोब सेट करनी है, तो ये जो सारे काम है तो एम्बर पास में होती है तो वो मुझे करने देती हैं। जैसे किचन का काम है, किचन के रैक्स वगैरह खाली करने, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो मैं वीकेंड्स पे कर लेती हूँ दीपक जब होते हैं ना, तो आज मुझे ड्रेसिंग टेबल करना है, इतना डर्टी हो गया ना आफ्टर 10 डेज, मतलब डेली बाहर से क्लीनिंग होती है तो, बट जो सामान अरेंज करना है वो 10 डेज तक मैसी हो जाता है, तो मुझे वो करना है अभी। ऑल्सो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, वो है हेयर केयर के बारे में, तो जब मैंने पहले भी बताया है कि मैं एक प्रॉपर वीडियो करूँ या व्लॉग्स में करूँ वो आप बता दो, तो मैं रफली आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि डिलीवरी के बाद भी काफ़ी हेयर झड़ते हैं, अगर आप फीड करवाते हो या वेदर जैसे चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे कि थोड़ी फूड हैबिट्स चेंज हो जाए तो बाल झड़ते ही हैं, इट्स वेरी कॉमन थिंग। ऑल्सो थोड़े से स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं या मॉइस्चर नहीं रहता बालों में, बाल थोड़े डैमेज हो जाते हैं, ड्राई होते हैं, तो उसके लिए रेमेडीज़ करते रहना बहुत ही ज़रूरी है। प्लस मैं हमेशा आपको, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखोगे हेयर केयर के, तो उसमें भी मैंने हमेशा मेंशन करती हूँ कि कभी मैं पर्टिकुलर एक शैम्पू यूज़ नहीं करती हूँ, मैं स्विच करती रहती हूँ 2 शैम्पूज़ के बीच में। तो अभी जो मैंने शैम्पू यूज़ करना स्टार्ट करा वो है एलांसा का बनाना शैम्पू, तो हेयर मास्क की रेमेडीज़ काफ़ी शेयर करी, तो उसमें मैं बनाना यूज़ करती हूँ क्योंकि बनाना बालों को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो जब भी मैं शैम्पू लेती हूँ तो मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि वो बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, उसमें वॉल्यूम हो, जिससे बालों को वॉल्यूम मिलता है, तो मेरे बालों में काफ़ी वॉल्यूम होता है आप देख सकते हो। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये एलांसा का बनाना शैम्पू, दिस इज़ एलांसा हेयर सेंसेशन बनाना शैम्पू, और उसी का कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। ये जो शैम्पू है ये सारे बालों के लिए सूटेबल है, आपके कोई भी बाल ऑयली हैं या ड्राई हैं तो सभी के लिए सूटेबल है। प्लस अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स हो चुके हैं, मॉइस्चर नहीं है, देन आप ये शैम्पू यूज़ कर सकते हो। तो ये जो शैम्पू है ये आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, अगर आपके फ्रिजी हेयर हैं या आप वॉल्यूम ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए शैम्पू है। तो इसमें डी पेंथेनॉल है जो कि बालों के स्कैल्प और बालों की हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हेल्प करता है उसमें। ऑल्सो अगर आपके बाल जैसे लाइफलेस होते हैं, आप फील करते हो कि बाल बहुत डैमेज्ड है, ड्राई है, अच्छे नहीं लग रहे, शाइन नहीं है, सिल्की नहीं है, देन ये शैम्पू हेल्प करेगा।
पड़ेगा क्योंकि बनाना इसमें है, तो बनाना बहुत ही अच्छा है। प्लस इसमें कोई भी पैराबन, सल्फेट, सिलिकॉन कुछ भी नहीं है। इसका प्राइस है ये है 449 और 300 ml इसकी क्वांटिटी है। तो ये मैंने अमेजोन से लिया था, तो आप वहाँ से ले सकते हो। मैं वैसे डायरेक्ट इसका लिंक जो है वो मैं ऐड कर दूँगी, आप चेक कर सकते हो उसका। और उसी का कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। तो कंडीशनर जब भी आप अप्लाई करो तो आप बालों के मिड से स्टार्ट करो, चप्पल ही नहीं लगाना हेड की, और बेसिकली अपने जो लेंथ है उस पर लगाना होता है ये कंडीशनर आपको। सा हेयर सेंसेशन बनाना कंडीशनर जो है वो आपके बालों में वॉल्यूम ऐड करेगा, बालों की को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। इसमें शिया बटर है जो कि आपके बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। ऑल्सो इसमें वीट प्रोटीन है जो कि बालों को स्मूथ करता है, उसके हेयर क्यूटिकल्स को, प्लस प्रोटेक्ट करता है बालों को किसी भी ब्रेकेज से। ऑल्सो दोनों का जो प्राइस है वो है 449 ईच, और क्वांटिटी अच्छी क्वांटिटी है, काफ़ी टाइम तक लास्ट करता है। मेरे लंबे बालों पे काफ़ी टाइम तक ये लास्ट कर रहा है, तो फिर आई थिंक जो बाल छोटे हैं या मीडियम लेंथ है तो काफ़ी टाइम तक ये लास्ट करेगा। तो आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन केस यू वांट टू बाय दिस एलांसा शैम्पू, एंड दिस इज़ रियली गुड गाइस बिकॉज इसमें बनाना है। मैं अभी अपने प्लांट्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बस क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम ही मुझे अपने लिए मिलता है, और मैं ट्राई करूँगी अपने प्लांट्स को मेंटेन कर पाऊँ। तो अभी इतने मेंटेन नहीं है ये जैसे पहले होते थे, एटलीस्ट वो सूख नहीं रहे हैं। अभी मैंने पौधों को पानी अभी दिया है 11 बजे। ये सारा सेक्शन अभी क्लीन करना है, लुक एट द मेस। ये दीपक ही तो आई थिंक मैंने जस्ट आपसे 5 मिनट बात करी होगी, 5 या 10 मिनट, और उसके बाद मैंने वेजिटेबल चॉप करी वो जो कि लंच में मैंने खानी है, और उसके बाद मैंने अभी स्टार्ट करा था। और यहाँ पे देखिए, गुड मॉर्निंग, उठ गए तो ये उठ गए हैं अभी। चलो कोई बात नहीं, ये काम करने देगी मुझे, यहाँ पे खेलेगी अभी थोड़े टाइम के लिए अंबर। तो ये हो गया है, यहाँ पे आगे लोशंस और परफ्यूम्स और ये डिब्बा यहाँ पे चले गए। आई थिंक यहाँ पे थोड़े मैसी लग रहे थे, और अभी यहाँ पे है ये सारा, बाकी यहीं पे है मेरा। ये चीज़ें मैं रोज़ लगाती हूँ, ये लिप बाम और ये एम्बर अभी बुला रही है मेरे को। सो अभी इसकी ड्रेसिंग बनाएंगे, वेजीज थोड़ी बेक हो गई हैं, हनी मस्टर्ड सॉस बेसिल और ऑयल से। सो जस्ट बोल, मैं थोड़ी सी मस्टर्ड सॉस ले रही हूँ, हनी ले रही हूँ 1 चम्मच, और थोड़ा सा बेजिल ड्राइड, और थोड़ा सा ऑयल ऑलिव ऑयल, और पानी थोड़ा सा ऐड करके उसको मिक्स कर देंगे। उसमें सॉल्ट और पेपर ऐड करा है मैंने, अच्छी तरह मिक्स करके उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चिकन मेरा ग्रिल्ड है हुआ है पड़ा था, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो वेजीज, चिकन और ड्रेसिंग तीनों को मिक्स कर देना है और साथ में सर्व करना है। तो ये है मेरा लंच, किनोआ विद लोड्स ऑफ सैलेड, लेटेस, कुकुम्बर एंड जो मैंने कैप्सिकम वगैरह बाकी बेक करा है, ग्रिल करा है, तो वो है। लुक्स यम्मी, यस आई एम गोइंग टू हैव दिस इंस्टेड ऑफ रोटी टुडे, तो ये खाऊंगी आज मैं। ये देखो खाना खाते खाते क्या हाल हो गया, गिर गई नीचे। हाँ बेटा, तो अपना खाना क्यों नहीं खाना होता है? हाँ ये देखो क्या हाल कर रखा है मेरे कपड़ों का, मेरी सारी लेगिंग्स जो मैंने पहनी है वो सारी गंदी हो गई इसके हाथ लग लग के। अब अपने कपड़े भी गंदे करे, मम्मा के भी करे कपड़े गंदे। Amber is very happy, #happy. Amber, तुम्हें दीदी क्यों पसंद है इतनी है? अच्छा, Amber. So Mama and Amber अभी खेली खेली करेंगे, है ना? हाँ, तो अभी है Amber का प्ले टाइम 4 बजे से लेके शाम को 6:30 तक, क्योंकि उसके बाद एम्बर सो जाएगी फिर। तो 3 बार सोती है, सुबह 11 बजे के करीब आधे घंटे के लिए, फिर दोपहर को, फिर शाम को 6:30 के करीब आधे घंटे के लिए, दोपहर को 2 आवर्स के लिए, है ना? फिर रात को सोती है, पूरा ये पूरा सोता है ये बच्चा।
पूरा सोता है ये बच्चा। तो अभी एम्बर ये खेलेगी अपने टॉयज के साथ और मम्मा को परेशान नहीं करेगा ये बच्चा। मम्मा को परेशान नहीं करोगे? करोगे परेशान मम्मा को? नो। आई एम टीचिंग एम्बर बाय बाय फ्रॉम हियर। एम्बर बाय 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 बाय। इसको मैट पे नहीं बैठना, इसको सारे घूमना इधर उधर। बाय बाय एम्बर। बाय 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 बाय। सेम ऐसे हाथ रखो एकदम, फिर इधर जाओ फिर उधर जाओ। बाय 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 बाय। यस बाय बाय। करो 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 करो। गुड गर्ल। करो 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 करो। इज आउट एम्बर। एम्बर इधर को आए हो घूमी घूमी करने के लिए आए हैं। वेल इन एम्बर। उसे बात, उसको बात करनी है, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ। एम्बर अभी हम, मैं और एम्बर आए नीचे जस्ट वॉक के लिए। मुझे इतनी लेजी थी कपड़े चेंज करने में कि मैंने कहा कि ऑलरेडी दो बार चेंज कर चुकी हूँ, अभी मेरा मन नहीं था क्योंकि जस्ट नीचे ही आई हूँ। और एम्बर का क्या हाल है कि बाहर आके सबसे बात करती है, घर पे ये बात नहीं करती जा रहा किसी से। मतलब मेरी मम्मी का फ़ोन आएगा, इसकी मामी का फ़ोन आएगा तो उनको रिप्लाई नहीं करती, वो बातें करते रहते हैं। बाहर आके अपने फ्रेंड्स जो हैं उनसे बात करेगी ये। तो मेरा ऐसे होता है, एक दिन हेयर केयर का दिन, एक दिन स्किन केयर, देन नेल केयर, हैंड केयर एक्चुअली। तो आज मेरा हैंड केयर है तो मुझे नेल पॉलिश लगाना है घर जाके। लुक एट फ्रॉम यस्टरडे जो मैंने ट्राई करे थे। वापिस जाना है। और एम्बर अभी सो गई है, अपना थर्ड वाला नैप ले रही है। 6:30 हो गया है तो अभी मेरे पास हार्डली, मुझे पता होता है कि रफली इतना टाइम ही होगा, 20 to 30 minutes। तो उसमें मुझे चॉपिंग करनी होती है, 2-4 बर्तन जो होते हैं वो करने होते हैं। फिर कुकिंग तो मैं जब मर्जी कर सकती हूँ, बिकॉज मेनली प्याज का होता है कि एम्बर को प्याज ना लगे, तो इसलिए जब मैं कुकिंग करती हूँ वो सामने खेलती रहती है यहाँ पे लिविंग रूम में। बट प्याज का तो अभी चॉपिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी जब तक वो उठेगी, और 2-4 बर्तन हो जाएंगे और सारा सामान वगैरह समेट लूँगी। तो ऐसे टाइम निकालती रहती हूँ क्योंकि दोपहर को जब वो सोती है, आजकल मैंने भी थोड़ा सा 15-20 मिनट नैप ले लेती हूँ तो काफ़ी फ्रेश फील करती हूँ। तो अभी साथ में मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कहा सोचा यूटिलाइज करूँ, तो अभी मैं नेल पॉलिश रिमूव कर रही थी। लुक एट दिस। मैं अपने आप को इग्नोर कभी नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि जब मैं खुश रहूँगी तो मैं अपने बच्चे को ज़्यादा खुश रख पाऊँगी। वो राइस सेवियाँ बना रही हूँ, उसके लिए प्रिपरेशन कर रही है। बस फटाफट इसको बनाना है, जब खानी है गर्म गर्म तब बनाऊँगी। बस ये लग गया है, प्रे कर रही हूँ कि एम्बर ना उठ जाए। गाइस अगर आप मेरे साइलेंट व्यूअर हो, कब से मुझे देखते हो, तो वो वाला इमोजी ज़रूर कमेंट कर देना आज, ये वाला। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को देख के कि मेरे साइलेंट व्यूअर्स कितने सारे हैं। यस इट्स टाइम टू फिनिश द व्लॉग। और मैं कर रही हूँ अपना फेस क्लीन, जिसके बिना मैं नहीं सोती हूँ, क्लीन किए बिना हुए, और अच्छा सा मॉइस्चराइजर नाइट क्रीम लगाए बिना। I'll come back with another video soon, क्योंकि एम्बर अभी रो रही है। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, लव यू ऑल।